कल्याण समिति के तत्वाधान में आक्रोश सभा का आयोजन आराबाद एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम सुरेश सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आने जाने का रास्ता प्रशासन द्वारा रोकने के निर्णय तथा अधिवक्ताओं के बैठने वाले गुमटी को तोड़ने की आलोचना के साथ ही निंदा प्रस्ताव किया गया। जहां एक तरफ कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की हिदायतों के बावजूद भी जिला प्रशासन ने सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं को एक हॉल में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से युवा अधिवक्ता समिति के तत्वाधान में आक्रोश सभा का आयोजन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम सुरेश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही आक्रोश सभा में जिला प्रशासन द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर अधिवक्ताओं को एडवोकेट एसोसिएशन के हॉल में सैकड़ों की संख्या में बैठने के लिए मजबूर करने के निर्णय को वापस करने की मांग की। कोरोना संक्रमण काल में अधिवक्ताओं को एक हॉल में बैठने के लिए मजबूर करना प्रशासन की लापरवाही है, साथ ही निंदनीय भी है। अगर किसी भी अधिवक्ता को कोरोना संक्रमण हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भाग्यपूर्ण है क्योंकि रास्ता समाहरणालय में जाने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिवक्ताओं का होना चाहिए, जो न्याय संगत हो। हम कहीं से आवे वहाँ पर जाने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। जो सुविधा ये जिस तरह का रास्ता दिया गया है, घूम घुमैया है, और घूम घुमैया रास्ता हम लोगों के लिए उचित नहीं है। एक प्रस्ताव ये पारित किया गया और इस प्रस्ताव के मुताबिक प्रस्ताव के मुताबिक रास्ता की मांग हम लोगों ने किया है। रास्ता उचित, रास्ता उचित मार्ग ये समाहरणालय में प्रवेश करने के लिए दिया गया। यह प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव निंदनीय प्रस्ताव पारित किया गया कि यहाँ पर जो गुमटी थी, जितनी गुमटी थी ये अधिवक्ता की भी गुमटी थी, जो पूजास्थल था, और उस पूजास्थल वाले गुमटी को भी तोड़ दिया गया। यह बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और इस तरह से कार्रवाइयाँ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मनमाने ढंग से जिस तरह से गुमटी तोड़ा गया है, इसके लिए हम आगे जाएंगे निश्चित रूप से। और इसके संबंध में मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी इस तरह के प्रस्ताव के संबंध में मुझे बुलाया जाएगा या जहाँ कहीं भी जाना होगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ।